हाय फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे कम से कम खर्चा में गैंगटॉक कैसे घूम के आएंगे। इसके पहले सबसे पहले जाना पड़ेगा एनजीपी रेलवे स्टेशन। एनजीपी रेलवे स्टेशन से फिर आपको कैब लेके जाना पड़ेगा गैंगटॉक बस स्टॉप। गैंगटॉक बस स्टॉप में पहुंचने के बाद आप वहां पे अच्छा नज़ारा देखते देखते फिर पहुंच जाइएगा होटल। हम लोग भी ऐसे ही किया था। होटल में पहुंचने के बाद फिर हम लोग दोपहर का खाना खा लिया। खाना खा के थोड़ा आराम करके फिर निकल गया थोड़ा घूमने। वहाँ पे गया, जाके रोपवे चढ़ा। रोपवे में 117 रुपया शायद लेता है, अभी पता नहीं। इसके बाद थोड़ा आराम करके एमजी मार्ग चला गया। एमजी मार्ग में थोड़ा वहाँ पे मस्ती किया, सब भाई लोगों के साथ मस्ती करके थोड़ा खाना फाना खाने के लिए आ गया होटल। होटल में खाना खा के फिर सुबह हो गया। सुबह में हम लोग नाश्ता करके निकल गया बाबा मंदिर और छांगू लेक। बाबा मंदिर बहुत अच्छा है, वहाँ पे बर्फ भी गिरता है, देख लीजिए। और छांगू लेक भी बहुत अच्छा है। वहाँ पे छांगू लेक बाबा मंदिर दोनों घूम के फिर हम लोग चला राइडिंग करने। छांगू लेक का रोपवे राइडिंग ये बहुत अच्छा है, आप लोग भी करिएगा रोपवे राइडिंग। ये 380 रुपया का आसपास कुछ इसका टिकट है। आप लोग रोपवे राइडिंग करके फिर वापस आ जाइएगा होटल। होटल में आने के बाद फिर रात का खाना खा के फिर सुबह का नाश्ता करके हम लोग नॉर्थ सिक्किम गया था 2500 रुपये एक्स्ट्रा पे करके। आप लोगों का सफ़र यहाँ पे ख़त्म कर सकता है। आप लोगों का कितना खर्चा हो गया देखिए, 3400 रुपया। देखिए हम टोटल हिसाब करके दिखा दिया, फार हेड इतना खर्चा होगा। हम लोग नॉर्थ सिक्किम जाने के जाने जाने रास्ता में बहुत अच्छा अच्छा सुंदर जो मिला, हम फोटोशूट कर लिया गाड़ी रोक के। आप लोग भी जाइएगा तो देखिएगा, बहुत अच्छा है। हम लोग फिर वहाँ से पहुँच गया लाचेन। लाचेन में हम लोग रात में पहुँच गया, इसलिए रात का खाना खा के हम लोग तुरंत सो गया। सोने के बाद फिर सुबह उठ के हम लोग थोड़ा होटल का सामने फ़ोटोशूट किया पूरा परिवार के साथ। देखिए हमारा दीदी है, आंटी है, बुआ है और ये है हमारा अंकल। इनके साथ फ़ोटो शूट करके फिर हम लोग जल्दी जल्दी सुबह सुबह निकल पड़ा काला पत्थर। काला पत्थर में जाने के लिए आपको 300 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, वो भी ड्राइवर भैया लोगों को। आप 300 रुपया पे करके काला पत्थर जाइएगा, आपका मन भर जाएगा। यहाँ पे इतना अच्छा नज़ारा है, बर्फ़ है, आप देखिए। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सांस प्रॉब्लम बहुत होता है। आप लोग साथ में कपूर लेके जाइएगा, नहीं तो इनहेलर लेके जाइएगा। फिर हम लोग काला पत्थर से निकल गया गुरुदम्मन लेक। रास्ता में जाते जाते ये थोड़ा सा नाश्ता करके फिर गुरुदम्मन लेक के लिए निकल गया। गुरुदम्मन लेक देखिए, यहाँ पे इतना अच्छा नज़ारा है। और गुरुदम्मन लेक देखिए, स्वर्ग है यहाँ पे। वहाँ पे जाने से ही पता चलेगा। फिर वहाँ से हम लोग वापस होटल में आ गया। होटल का दोपहर का खाना खा के हम लोग निकल गया लाचुंग का साइट। अभी लाचुंग साइट जाते जाते हम लोगों को रात हो गया। रात में हम लोग जाके रात का खाना खा के फिर हम लोग सो गया। फिर सुबह सुबह हम लोग निकल गया यामथम वैली और जीरो पॉइंट के लिए। और सुबह सुबह निकल के जीरो पॉइंट के लिए जाने का पहले वो ड्राइवर भैया लोगों को ये जीरो पॉइंट के लिए भी अलग से पे करना पड़ा 300 रुपया। ये देखिए यामथम वैली में फ्लावर का बहुत अच्छा फ्लावर होता है। अब देखिए हम दो चार फ्लावर का ही फ़ोटो खींचा, ज़्यादा खींच नहीं पाया वहाँ पे। ये है वहाँ का फूल और ये है जीरो पॉइंट। जीरो पॉइंट में भी जाइएगा, वहाँ से थोड़ा नज़दीकी है, 15-20 किलोमीटर, अच्छा लगेगा। फिर हम लोग दोपहर को वापस आ गया होटल में। होटल में खाना खा के फिर वहाँ से निकल गया गैंगटॉक के लिए। फिर गैंगटॉक में आके आते रात हो गया। रात हो के हम लोग रात को खाना खा के सो गया। फिर सुबह हो गया। सुबह होते ही हम लोग नाश्ता करके वहाँ पे निकल गया गैंगटॉक में थोड़ा घूमने के लिए। गैंगटॉक में थोड़ा घूम फिर के थोड़ा परचेस करके फिर हम लोग चला गया टैक्सी स्टैंड। टैक्सी स्टैंड से टैक्सी लेके हम लोग फिर एनजीपी में आने के लिए बैठ गया। यहीं पे ही हम लोगों का सफ़र ख़त्म हो गया है। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।
लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा अच्छा लगने से। बाय।